आपके दुख का कारण क्या है? आपका मन। मन, आप पूरी जिंदगी किसकी इच्छाएं पूरी करते हैं? मन की। पूरी जिंदगी किसके हिसाब से जीते हैं? मन के हिसाब से। आप गुलामी किसकी करते हैं? मन की। हमारे दुख का कारण कौन है? मन। और हमारी प्रसन्नता का कारण कौन है? मन। देखो, ये जो मन है ना मेरी माँ, ये मन ही दुख का कारण है और ये मन ही सुख का कारण है। आओ, अच्छा आप लोगों का मन वश में है कि नहीं? आज हम आपके मन को आपके वश में करा के रहेंगे। आज से आपका मन भटकेगा नहीं यदि हमारी इन बातों पर आपने ध्यान दिया तो। आज आपके मन का पूरा इलाज हम करके जाएंगे। आज मन पर ही हम केंद्रित होके बात करेंगे। आपका मन, पहले आप अपने मन से हमारा परिचय कराओ। बताओ, आपका मन शांत है या अशांत है? आपसे पूछ रहा हूं सबसे, आपका मन शांत है या अशांत है? आपका मन भटकता है या नहीं? भटकता। सबका मन भटकता है? हाथ उठा के बताइए, किस किस का मन भटकता है? सबका मन भटकता। आप सब अपने मन से ही तो दुखी हैं। आज हम आपके मन का इलाज करेंगे। जो जो इसमें बुराइयां हैं सारी दूर कर देंगे। अब दो बातें मैं पहले कहूंगा। देखिए, मन जो है हम वश में कैसे करें, और वश में हो जाएगा तो इसका परिणाम क्या है, पहले तो इस विषय में बात करें कि मन को वश में कैसे करें, और जब वश में हो जाएगा तो उस परिणाम के बारे में भी हम चर्चा करेंगे अभी। तो पहली चर्चा है मन को वश में कैसे करें। आइए, मन को वश में करने के कुछ उपाय हम आपको बताते हैं। सावधानी से सुनेंगे तो समझ में आएगा। पहले तो ये देखते हैं मन भटकता क्यों है। मन के भटकाव का सबसे बड़ा कारण है आपके अंदर अनंत इच्छाएं। हमारे भीतर यदि इच्छाएं ना हो तो मन भटकेगा। तो मन के भटकाव का कारण क्या है? कभी हमने इस पर विचार किया? मन भटकता है ये तो सब कहते हैं, पर मन क्यों भटकता है इस जड़ तक कोई पहुंचना ही नहीं चाहता। मन इसलिए भटकता है क्योंकि हमारी इच्छाएं अधिक हैं और हम पूरी जिंदगी मन की इच्छाएं पूरी करने में लगाते हैं। मन कहता है ये मिल जाए, उसकी तरफ चल पड़ते हैं। मन कहता है ये मिल जाए, इसकी तरफ चल पड़ते हैं। अरे भाई, मन सबका ही चलायमान है, सबका ही मन परेशान कर रहा है, तो मन के पीछे कब तक भागोगे? मन की इच्छाएं कब तक पूरी करोगे? आज तक किसी के मन की इच्छाएं पूरी हुई कि आपकी हो जाएंगी? एक होती है जरूरत और एक होती है इच्छा। इच्छाएं तो राजाओं और महाराजाओं की पूरी नहीं होती, और जरूरतें तो रिक्शे वाली की भी पूरी हो जाती हैं। जरूरत क्या है? अच्छा, आपकी जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, ये चार हम सब की क्या है? बोलो, जोर से बोलो, ये हमारी क्या है? जरूरत है। रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, ये हमारी जरूरत है। और इच्छाएं क्या है? अब बड़ा सा, बड़ी सी कोठी हो, बड़ा सा बंगला हो, बड़ी सी गाड़ी हो, बड़ा नाम हो, बड़ी प्रतिष्ठा हो, ये जरूरतें नहीं है, ये इच्छाएं। और व्यक्ति आज जरूरतों को पूरी करने में नहीं लगा, आज इच्छाओं को पूरी करने में लगा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं
कि इच्छाएं तो सिकंदर की पूरी नहीं हो पाई और जरूरतें रिक्शे वाले की भी पूरी हो जाती। याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ। जब सिकंदर मरा था तो उसने कहा था कि मेरे को रास्ते से जब लेकर जाना शमशान, तो दोनों हाथ बाहर कर देना, खाली हाथ ऐसे। किसी ने कहा, सिकंदर ये आप क्या उल्टी बातें करते हैं, अरे जनाजे में कोई हाथ बाहर आज निकाले जाते हैं क्या? आप बोल रहे हैं अर्थी से हाथ बाहर निकाल देना? बोले ना, निकाल देना। अच्छा ठीक है, निकलवा देंगे, पर क्यों? कारण तो बताओ। तब सिकंदर ने मरने के पहले कहा था कि दुनिया वालों से कह देना कि जब सिकंदर मरा तो देखो दोनों हाथ दुनिया वालों ने देखे। जो जीवन भर पैसे के पीछे भागता रहा, आज वो सिकंदर जब मरा तो दोनों हाथ खाली हैं, कुछ भी लेकर नहीं गया, सब धरा रह गया। एक पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा जब मैं मरूं तो ये मोजे मेरे पांव में पहना देना, ये मोजे जो हैं पांव में पहना देना। ठीक है, पहना देंगे। पिताजी कुछ दिनों बाद चले गए तो बेटे ने अपने पिता की इच्छाएं सबसे बताई कि हमारे पिता की इच्छा है कि ये वाले मोजे पिताजी के पांव में पहनाना। तो लोगों ने मना किया, अरे भाई मुर्दे को थोड़ी मोजे पहनाए जाते हैं, ये तो खिलाफ हो जाएगा। लोगों ने रोक दिया, ना ना। तब कोई पीछे से एक बूढ़ा व्यक्ति चिट्ठी लेके आया, बोले भैया तुम्हारे पिता ने ये मरने के पहले हमें पर्ची दी है, बोले बेटे को पढ़वा देना। तो पर्ची बेटे ने खोला और खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, बेटा देख मैंने कहा था ना कि तू मरने के बाद मेरे पांव में मोजे पहना देना, पर तू मोजे पहनाने जब गया तो लोगों ने पहनाने नहीं दिया। हाँ बेटा ये तेरे लिए सबक है कि जब मैं मरा तो मैं मोजा चाह कर भी कि मेरी इच्छा है कि मैं मोजे पहन कर जाऊं शमशान, तो देख दुनिया के लोग 10-20 रुपए के मोजे भी नहीं ले जाने देती। तो तू ऐसी संपत्ति मत जोड़ना जो यहीं धरी रह जाए, ऐसी संपत्ति जोड़ना जो तेरे साथ जाए, और वो संपत्ति है पुण्य की, वो संपत्ति है परमार्थ की। जितना आपने पुण्य किया है वो आपका है, और जो आपने केवल बैंक में रखा है वो तो केवल बैंक का है। और आप समस्या, एक मैया मेरे पास आई, बोले गुरुजी हमारे बैंक में 2 करोड़ जमा है। हमने कहा अच्छा है, बोले हमारे पति चले गए और नॉमिनी में हमारा नाम नहीं डाला। दो करोड़ जमा है बैंक में और नॉमिनी में नाम डालना भूल गए, अब केस लड़ो, और बैंक दे ही नहीं रही है। तो भाई आप लोगों ने भी नाम वाम ना डाला हो तो डाल देना, नहीं तो पैसे होते हैं पर वो काम नहीं आते। और सच्ची बात तो यह है कि यहां कोई काम का नहीं है हमारा धन, यहां केवल पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ा सकता है आपका पैसा, पर भगवान की प्राप्ति पैसा नहीं, भगवान की प्राप्ति तो पुण्य ही करा सकता है। इसलिए पुण्य में ध्यान दीजिए, मन सुई हिलती रहेगी तो क्या सुई में धागा आप डाल सकते हैं हिलती हुई सुई में? अरे धागा डालने के लिए सुई को स्थिर करना पड़ेगा, सुई स्थिर होगी तब ये धागा डलेगा। उसी प्रकार जब तक मन यहाँ वहाँ इच्छाओं में लगा रहेगा तब तक परमात्मा रूपी धागा अंदर कैसे जाएगा? मन जिस दिन शांत हो जाएगा उसी दिन परमात्मा भीतर चले जाएंगे, उसी दिन भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए मन को तब वश में किया जा सकता है जब आप बिल्कुल इच्छाएं ना रखें, जो विधाता दे रहे हैं उसमें संतुष्ट रहें।